यूजी इतादोरी इज फ्रॉम हायान एरा। यूजी इतादोरी हमेशा से स्पेशल चाइल्ड रहा है जुजुत्सु काइजन का। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ब्लैक फ्लैश को मल्टीपल टाइम्स को यूज करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उसका लड़कियों में टेस्ट। बाकी मोटे तौर पे देखा जाए तो हमेशा से इतादोरी यूजी सबसे ज्यादा टैलेंटेड शो करता है। एंड सुकुना इतादोरी बहुत टाइप से सिमिलर है। एंड इतादोरी इकलौता ऐसा बंदा है पूरे जुजुत्सु काइजन में जो सुकुना को सप्रेस कर सकता है। इनफैक्ट जाकू ने इतने सालों की प्रिपेरेशन से एक ऐसा वेसल बनाया सुकुना के लिए कि एक दिन सुकुना को कोई अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने दे, वो था इतादोरी। और गोजो वाले सुकुना की फाइट चालू होने से पहले हमने इतादोरी को स्वॉप सोल टेक्निक को यूज करते हुए भी देखा है, विच मीन्स कि अभी उसके बाद टॉप क्लास फिजिकल स्ट्रेंथ, द ब्लैक फ्लैश, लोगों को अट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें अभी भी उसके पास है। बट स्टिल अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि उसकी कर्ज टेक्निक क्या। जब सुकुना वैसे इतादोरी यूजी हुई थी, जब सुकुना ने मैगुमी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, तब सुकुना का स्टेटमेंट था कि इतादोरी उस टाइम से है। इनफैक्ट सुकुना को अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि इतादोरी के पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे आ रही है। इतादोरी वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, वो भी अपने सिंगल हैंड से। 100 किलोमीटर की रेस सिर्फ 3 सेकंड में खत्म कर सकता है, जो कि उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज है। एंड केंजाकू ने बहुत बार एक ऐसा वेसल बनाने की कोशिश करी जो सुकुना को डिवोर कर पाए, जस्ट लाइक चोजो एंड उसके बाकी अदर ब्रदर्स। एंड वो अलग अलग ब्रदर्स अपनी अलग अलग कर्ज टेक्निक को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सारे ब्रदर्स ब्लड मैनिपुलेशन को यूज कर सकते हैं, बट इतादोरी की कर्ज टेक्निक अभी तक रिवील नहीं करी गई है। हमें बस ये पता है कि इतादोरी अपने सोल को स्वैप कर सकता है किसी की बॉडी के साथ। और लेटेस्ट चैप्टर में तो हमें लिटरली इतादोरी का हाथ सुकुना के जैसे लग रहा था। इनफैक्ट गोजो ने तो यह बोला भी था कि तुम जितना सुकुना अपनी पावर्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर यूज करता जाएगा, उतनी तुम्हारी बॉडी उसकी ताकत से अडेप्ट होती चली जाएगी। एंड अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो सुकुना का सिर्फ एक राइट हैंड है जिसके हाथ से क्लॉज निकले हुए हैं, लेफ्ट हैंड बिल्कुल नॉर्मल है। एंड ये चैप्टर 1 में दिखाया गया था, जो कि अभी लेटेस्ट चैप्टर में इतादोरी ने यूज किया है जब वो सुकुना के साथ लड़ने मैदान में उतर चुका है। बट सवाल ये आता है कि अगर इतादोरी हेयान एरा से है तो सुकुना को इतादोरी के बारे में कुछ क्यों नहीं मालूम। वेल, देयर माइट बी पॉसिबल कि सुकुना के साथ भी इतादोरी का कोई एंसेस्टर हो जिसके पास ये सेम पावर हो जो कि अब इतादोरी की बॉडी पे आ चुकी। तभी सुकुना ने उस फाइट में ये मेंशन किया कि ये तो उस टाइम से, एंड वो भी शॉक हो गया कि इतादोरी के पास इतनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे है। बट स्टिल इतादोरी का रोल क्या है, सुकुना को अपनी बॉडी के अंदर लेना, एंड इन द एंड इतादोरी का एंड यही है कि वो सुकुना की सोल को अपनी बॉडी के अंदर लेके अपने आप को ही खत्म कर दे। क्योंकि ये हमें पूरे इंटायर स्टोरी के पहले चैप्टर से ही बता दिया गया था कि इतादोरी एंड में मरने ही वाला है। बट इससे एक चीज जरूर मालूम पड़ जाती है कि इतादोरी की फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब इतादोरी वर्सेस सुकुना की फाइट हुई थी, इतादोरी इतने ज्यादा स्लैशेस बिल्डिंग को तोड़ के बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया, स्टिल वो सुकुना को एक पंच हिट करने में कामयाब रहा। लिटरली उसने एक बिल्डिंग का ब्लॉक अपने एक हाथ से उठा के सुकुना के ऊपर फेंक दिया, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए नामुमकिन है करना। एंड मेरे हिसाब से इतादोरी की कर्ज टेक्निक होगी द सोल मैनिपुलेशन, जिसमें वो किसी भी इंसान की सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, जस्ट लाइक उसने कुसुकावे के साथ करी थी जब वो उसके साथ ट्रेन हो रहा था। विच मीन्स इन दी एंड इतादोरी अपनी सोल मैनिपुलेशन को यूज करेगा ताकि वो सुकुना की सोल को अपनी बॉडी के अंदर दोबारा डाल पाए, एंड जिससे इन दी एंड सुकुना इतादोरी की बॉडी पे ट्रैप हो पाए एंड बाकी सारे लोग इतादोरी को मार दे। वेल, लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि द नेक्स्ट स्पॉइलर तो कल ही आने वाले और मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाने वाला हूँ, वो भी सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर दीजिए स्पॉइलर के लिए। मैं मिलता हूँ आपको जुजुत्सु काइज़न की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। अंटिल सायोनारा।